भाई भतीजावाद पर पीएम ने क्या कहा था वो बस सुना देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि आज उन्होंने भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद पर सबसे प्रखर प्रहार किया, तो दोनों मुद्दों को जोड़ा भी उन्होंने एक तरह से। सुनिए, चर्चा में करना चाहता हूं भाई भतीजावाद, और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है, और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके कहीं जगह बना लूं। इस परिवारवाद से भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत मैं मानता हूं।